everyone, welcome back to my channel Nivila Classes. I am Nivita Jaiswal. आज हम लोग discussion करेंगे relationship and difference between administrative law and constitutional law. Administrative law constitutional law का एक अंग है. आपको तो पता होगा कि constitutional law से ही बना है administrative law. अगर constitutional law नहीं होता तो administrative law भी नहीं होता, क्योंकि constitutional law का ही एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. आगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंस है एंड सिमिलैरिटीज भी बताऊंगी. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रिलेशनशिप एंड डिफरेंस दोनों कवर कराऊंगी. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज जीनस. हमारा जो संवैधानिक कानून है, आपको तो पता होगा कि वो सर्वोच्च है, प्रतिभाशाली है. हमारे भारत के लिए वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वो लॉ है. यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ स्पीसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. मैंने पहले ही बताई हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक भाग या हम कह सकते हैं एक प्रजाति है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंतर्गत सेकेंड पॉइंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विथ वायरस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. ये क्या करती है कि हमारे जैसे भारत में क्या है, भारत इंडिया के अंतर्गत स्टेट है, और स्टेट के जितने भी अंग हैं उसको क्या करती है, डील करती है. आपको तो पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तीन पिलर हैं. कौन कौन से तीन पिलर हैं, आपकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तीनों मिलकर क्या करती है, हमारे स्टेट के या जितने भी रूल रेगुलेशन बनाने का कार्य करती है. तीनों लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंतर्गत तीनों जो पिलर है वो क्या करती है कि एक स्टेट के जितने भी कानून रहते हैं उसको बनाने का निर्माण करती है. और आपको तो पता होगा कि केंद्र के अंतर्गत हमारी आ जाती है संसद, जो लोकसभा और राज्यसभा हो जाती है, और हमारे स्टेट के अंतर्गत आ जाती है विधानसभा. तो ये सब क्या है कि जो स्टेट के अंगों को डील्स करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इट डील्स विद दोज ऑर्गन्स एज इन मोशन. ये सिर्फ क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जैसे कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अंगों को ये डील करती है, ना कि स्टेट के जितने भी कानून हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और आपका एग्जीक्यूटिव है, ये सब डील्स नहीं करती है. ये सिर्फ डील करती है एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी के अंतर्गत जो भी उसे कार्य दिया जाता है या अंगों को वो डील करती है, संपादित करती है जैसे हम कह सकते हैं. अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है, इट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. ये स्टेट की जो राज्य है उसकी संरचना को ये डील करती है, डिफाइन करती है. थर्ड पॉइंट आता है, इट डील विद द फंक्शन ऑफ द स्टेट. ये क्या करती है, राज्यों के कार्यों को, ये तो संरचना को डिफाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. यहाँ ध्यान से समझेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा. ये क्या करती है, राज्य की संरचना को डिफाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और ये क्या करती है, स्टेट की जो कार्य होते हैं उसको डिफाइन करता है. ओके, फोर्थ पॉइंट ये है कि इट इज द हाईएस्ट लॉ. आपको तो पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, एक सर्वोच्च कानून है, उसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फोर्थ पॉइंट आता है, इट इज द सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या संविधानिक कानून के अधीन है, सबऑर्डिनेट है. ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फिफ्थ पॉइंट आता है, इट गिव्स द गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू द जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ ऑर्गन्स टू द ऑफ द स्टेट एंड रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड टुवर्ड द स्टेट. यहाँ पर यही बताया गया है कि यह नागरिकों के अंगों और शक्तियों से संबंधित है, ये सामान्य सिद्धांतों के संबंध में दिशा निर्देश देता है. ये क्या करता है कि ये जितने भी सिटीजन हैं उसके रिलेशनशिप के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करता है, और इसके अंतर्गत देश की सभी शाखाओं को ये छूता है. राज्य के अंतर्गत ये देश की सभी शाखाओं को ये छूता है. अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आता है, इट डील इन डिटेल विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. ये क्या करता था
कि राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनके रिलेशनशिप को बताता था, बट ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के कार्य एवं जितने भी शक्तियां हैं उसको डील करता है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके कार्य एवं शक्तियों को डील करता है। और ये क्या करता है, जितने भी नागरिक हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या भारत के अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं, स्टेट के अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं उसके रिलेशनशिप को बताता है और उसके कानून को बताता है। और ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के कानून को ये बताता है, कार्य एवं शक्तियों को बताता है। अब यहाँ पर 6 पॉइंट आता है, इट आल्सो गिव द गाइडलाइंस अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशनशिप है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी डिफाइन करता है या दिशा निर्देश देता है। जब मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ाई थी तो उसने बताई थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही एक योगदान रहता है कि इंटरनेशनल लॉ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही वर्क रहता है। अब यहाँ पर 6 पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत इट डज नॉट डील विद द इंटरनेशनल लॉ। ये क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ को डील नहीं करता है। ये क्या करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ को डील करता है। ये सिर्फ डील करता है, इट डील एक्सक्लूसिवली द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये सिर्फ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कार्य एवं शक्तियों को सिर्फ डिफाइन करता है या डील करता है, ना कि इंटरनेशनल लॉ को। इंटरनेशनल लॉ को कौन डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डील करता है जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। ओके, यहाँ पर आपने समझा कि डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब हम लोग समझते हैं कि दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है, 2 सिमिलैरिटी है, आप इसे नोट आउट कर लेंगे। बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर अ पब्लिक लॉ। दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है दोनों पब्लिक लॉ है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है, बोथ हैव द सेम सोर्स ऑफ लॉ। ये दोनों जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये क्या स्रोत है, कानून का एक स्रोत है दोनों। तो आज आपने समझा कि रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कल हम लोग लॉ के ही कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।